सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आज तारीख है 14 मई 2021 और यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं, यानी प्रत्येक कैंडल यहाँ पर एक वीक का डेटा शो कर रही है और यहाँ पर हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो लंबी अवधि यानी 6 महीने, 1 साल या उससे ज्यादा के लिए होने वाला है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए, आईटीडी के अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो कुछ सालों पहले करीब 2016 के आसपास ये शेयर करीब 110-120 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता था और अगर उसके पहले की भी बात करें तो ये शेयर करीब 25-30 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता था और उसके बाद इसमें जबरदस्त तेजी हुई और 2016 के आसपास ये करीब 110 पर पहुंच गया और उसके बाद भी ये जो तेजी है वो कंटिन्यू रही और 2018 के आसपास इसने जो हाई बनाया करीब 240 रुपए के आसपास का था। उसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखने को मिलती रही और लॉकडाउन के समय अगर बात करें तो ये शेयर करीब 60-70 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता था और जैसे कि लॉकडाउन में सभी शेयरों में गिरावट हुई थी, ये भी अछूटा नहीं रहा और इसमें भी गिरावट देखने को मिली और इसने करीब 27 रुपए के आसपास का लो बनाया और वहां से शेयर में हल्की हल्की रिकवरी देखने को मिलती रही और करंट में शेयर का प्राइस करीब 78 रुपए 45 पैसे के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इस शेयर में खास बात यह है कि इसको अभी आज ही या आज कल में 950 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आया है, जिसके कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस कंपनी के हाथ में लगा है तो निश्चित रूप से कंपनी की जो हालत है वो एकदम ठीक ठाक है और कंपनी को जो प्रोजेक्ट वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस लिहाज से भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए, शेयर काफी ऊपर चल रहा था, धीरे धीरे शेयर नीचे आया था, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंपनी की हालत सुधरी है मुझे लगता है कि यह शेयर अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब मैं यहां पर आपको कुछ लेवल बता देता हूं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक लेवल आपको दिखेगा करीब 68 रुपये के आसपास का लेवल है, ये एक बेहतरीन रेजिस्टेंस था और यहाँ पर इसने इसमें ब्रेकआउट तो दिया लेकिन ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा पाया, लेकिन जब ये नीचे आया तो इसी लेवल के आसपास से इसने सपोर्ट लिया और एक बार फिर से इसमें तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक ने जो हाई बनाया करीब 95 रुपए के आसपास का ये हाई था, 90-95 रुपए के आसपास का हाई बनाया और उसके बाद ये स्टॉक फिर से नीचे आने लगा जब मार्केट में प्रेशर स्टार्ट हुआ था और लगभग वहीं से इसने अब फिर से एक बार टर्न लिया है जहाँ इसका पहले रेजिस्टेंस था, करीब 68 रुपए के आसपास का जो रेजिस्टेंस था वहीं से इसने सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हैं। और ये स्टॉक में करीब 2 वीक से तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि आज के दिन थोड़ा सा गिरावट हुई है क्योंकि मार्केट भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था और मार्केट में भी रेड कलर में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जिसके कारण इसमें गिरावट देखने को मिली। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपको हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए और इसमें अच्छे लेवल आने की एकदम पूर्ण संभावना मुझे इस स्टॉक में दिखती है। तो देखिए, अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हैं तो इस स्टॉक में जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजिशन है वो निश्चित रूप से इसमें होल्ड करें, थोड़ी मोड़ी गिरावट होती है उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लंबी अवधि का है, अगर आप 6 महीने 1 साल से ज्यादा के बारे में सोच रहे हैं इस स्टॉक के में, तो आपको छोटी मोटी गिरावट से डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये स्टॉक, अब देखिए शेयर है, थोड़ा बहुत डिक्लाइन और थोड़ा तेजी मंदी तो बनी रहेगी लेकिन आपको इसमें ज्यादा मंदी देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट के हिसाब से ही चलेगा, मार्केट ज्यादा गिरेगा तो ही इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, नहीं तो कंपनी अच्छी है, इसमें धीरे धीरे आपको जो है तेजी देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए, यहां पर आपको जो पहला टारगेट है वो करीब 100 रुपए के आसपास का लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो लेवल है आपको जो देखने को मिल सकता है करीब 139 रुपए का लेवल है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो टारगेट आपके लिए हो सकता है करीब 171 रुपए का टारगेट। ये तीनों ही टारगेट मैंने आपको बताए हैं करीबन 1 साल के लिए, आज से आप 1 साल के लिए लिख के रख लो, इस स्टॉक में आपको बेहतरीन तेजी हुई होती हुई नजर आएगी और ये स्टॉक आपको काफी बढ़िया मुनाफा कमाकर देने की क्षमता भी रखता है। क्योंकि देखिए, कंपनी को 950 करोड़ का ऑर्डर मिला है, कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं होती है, बहुत सारे आईपीओस तो 300-300 करोड़ के आते हैं और इनको करीब 950 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो बहुत ही
पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। देखिए मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल था जिसके कारण गिरावट हुई थी, लेकिन मार्केट अगर ठीक ठाक होता तो इसमें निश्चित रूप से आज आपको बेहतरीन तेजी होती हुई नज़र आती। और देखिए दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर आप देखें पिछले 3-4 सालों से करीब 2016 के बाद से इस स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट रहा नहीं है। मतलब ये स्टॉक एकदम ऐसा रहा है भूला बिसरा सा, कहीं पड़ा होगा, कोई इसमें खरीद नहीं रहा है, एकदम वॉल्यूम्स एकदम ख़त्म थे। लेकिन अब जब से इसमें जो कोरोना की गिरावट हुई थी, जो मार्केट में लॉकडाउन लगा था उसके कारण जो गिरावट हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक में बेहतरीन यहां पर जो वॉल्यूम्स है वो भी बनते नज़र आ रहे हैं। और आप यहां पर देखेंगे जो वॉल्यूम्स है अभी करंट के दिनों में, जो करंट के वीक्स हैं उसमें भी वॉल्यूम्स यहां पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें खरीदारी आ रही है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने जो अगला पड़ाव है उसकी तरफ बढ़ेगा। करीब 100 रुपये का जो लेवल है ये ज़रूर दिखाएगा, मुझे लगता है 100 रुपये का लेवल अगले 1 महीने में ही आपको आता हुआ दिखना चाहिए। और इसमें जो लेवल्स मैंने बताए हैं वो आपको आते हुए नज़र आएंगे। देखिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू लंबी अवधि का ही रखना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा मिल जाता है तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा या आपकी लक की बात होगी, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से पॉइंट ऑफ व्यू आपका लंबी अवधि का होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा था और यहाँ से इसमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। चार्ट स्ट्रक्चर एकदम पॉजिटिव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर हाई यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपको साफ साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो शेयर है इसमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए 200 डीएमए की यहां पर लाइन है, 200 डेज मूविंग एवरेज है और यहाँ पर ये स्टॉक इसके करीब आता हुआ नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे ये स्टॉक को जिस ये इस लाइन को जिस दिन ब्रेक करेगा उस दिन भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको होल्ड करना चाहिए, छोटी मोटी गिरावट से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, लंबी अवधि के लिए हैं तो बने रहना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आप खरीदारी का आपको मन है तो निचले लेवल पर, जैसे आज ये काफ़ी नीचे तक गया था, करीब 82 रुपये से 78 रुपये के आसपास ये इसने दिखाए थे, तो ये आज खरीदने का मौका था। और नीचे कभी आपको ये शेयर मिलता है तो निश्चित रूप से इसमें खरीदारी करनी चाहिए, नई पोजीशन बनानी चाहिए। ये अच्छा स्टॉक है और लंबी अवधि में आपको बढ़िया रिटर्न्स देगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका ही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टॉक के बारे में एकदम पॉजिटिव है और मैं 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए इस स्टॉक को जरूर खरीदना चाहूंगा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।